सपोज आपके पास एक ये एक कार है, सपोज ये एक कार है, ठीक है, ये कार है और ये मैं खड़ा हूं, ये कार है, कार के ऊपर मैं खड़ा हूं, छत पे मैं खड़ा हूं, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है, ऐसा भी नहीं है कि तुम कार चलाओगे मैं पीछे गिरता हुआ मिलूंगा, थोड़ा बहुत स्पीड पे चलाओगे तो मैं खड़ा मिलूंगा आपको, ऐसा होता है, आप खड़े जाते हैं कार पे, लेकिन आप बहुत एक्सलरेट करेंगे तो देखो मैं गिर जाऊंगा, ऐसा ही होता है, स्पीड बहुत इंक्रीज करेंगे तो मैं पीछे गिर जाऊंगा, क्यों गिरूंगा, बिकॉज ऑफ क्या, सूडो फोर्स, क्योंकि जब कोई भी बॉडी आगे की तरफ क्या करेगी, एक्सलरेट करेगी तो मेरे ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स, हालांकि यहां फ्रिक्शन है पर फिर भी आप अगर बहुत तेज ए चलाएंगे तो एम ए बहुत तेज लगेगा, तो मैं फ्रिक्शन, ये एम ए फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा और मैं पीछे गिर जाऊंगा, क्या यहां तक क्लियर है, ओके। मेरा क्वेश्चन है, मैं यहां पे खड़ा हूं कार के ऊपर और गाड़ी चल रही है इस तरफ, एक्सलरेट कर रही है, जब एक्सलरेट कर रही है तो जब स्लो चलती है देखो मैं आराम से खड़ा हूं, लेकिन जैसी एक्सलरेट करती है आप फील कर पाएंगे आपकी टांगे ना जोर ज्यादा लगाएंगी, कहीं आप गिर ना जाओ, आप फील करेंगे कहीं आप फिसल ना जाओ, ऐसे होता है, तो आपका पैर ऐसे है, तो जब गाड़ी इधर एक्सलेट कर रही है तो आपकी टेंडेंसी गिरने की कहां है, आप कहां गिरेंगे, पीछे, ऐसे ही है, तो जैसी एक्सलेट होगी आपका पैर पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पीछे, क्योंकि आपको सूडो फोर्स कहां लगेगी, पीछे, तो आपका पैर पीछे स्लाइड करेगा, फिसलना स्टार्ट होगा पीछे, फ्रिक्शन कहां लगेगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो कहां लगेगी मेरे पैरों में, पीछे की आगे, बिल्कुल ठीक, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आप बोल सकते हैं वो कहां लगेगी, आगे, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। अच्छा आप कहेंगे सर ये था कॉन्सेप्ट, ना ना ये तो पूछ रहा था मैं, आगे कॉन्सेप्ट समझाने से पहले कि समझ में आया कि अगर कोई गाड़ी एक्सलरेट करेगी तो मैं कहां फिसल सकता हूं, स्लाइड कर सकता हूं पीछे, तो फ्रिक्शन आगे। अब दूसरा पॉइंट, कोई गाड़ी स्लो एक्सलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, बहुत फ्रिक्शन है यार, बिल्कुल खुरदरी सरफेस है, तो गाड़ी एक्सलरेट कर रही है, किसने कहा मैं ए बढ़ा रहा हूं, मैं कहा बढ़ा ले, तो ए बढ़ा रहा है तो एम ए बढ़ा रहे हैं, तो किसने कहा ठीक है सर ए की वैल्यू अभी तो 1 m/s² है और मेरा मास मान लो 10 kg है, तो सूडो फोर्स कितनी लग रही है, 10 × 1 कितनी, 10 N, और मान लो मेरे को हिलाने के लिए यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए 50 N, मैं कह रहा हूं चला दो गाड़ी एक्सलेट कर 1 के साथ, मैं नहीं गिरूंगा, तो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी इसमें, 10 N, कौन सी, स्टैटिक, क्योंकि हिलाने के लिए कितनी चाहिए 50, और लग कितनी रही है मेरे ऊपर सूडो फोर्स की वजह से 10, तो पैरों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 है, यहां तक क्लियर है। अब वो कहता है, ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी को तेज चला रहा हूं 2 m/s², तो मैं देख रहा हूं ठीक है मेरी सूडो फोर्स कितनी है एम ए से, कितनी, 10 × 2 = 20, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 20, राइट, डायरेक्शन राइट की तरफ है 20, मैं अभी भी स्लाइड नहीं करूंगा। ऐसे करते करते वो कहता है मैं गाड़ी चला रहा हूं 5 m/s², तो सूडो फोर्स कितनी है 50। अब देखो, अब ये लास्ट वैल्यू है, अगर किसी ने गाड़ी और तेज चला दी तब मैं फिसलता हुआ पीछे चला जाऊंगा, सही है, कोई डाउट इसमें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये गाड़ी की कौन सी एक्सलेशन है, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि सर ये बताएं जी गाड़ी की एक्सलेशन क्या होगी, क्या आप नीचे ना गिरें, तो भाई मैं कहूंगा कई एक्सलेशन होंगी, तुम गाड़ी 1 पे चलाओ, 0.5 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, 3 पे चलाओ, 4 पे चलाओ, 5 पे चलाओ, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, पर जैसी आप गाड़ी को थोड़ी सी 5 m/s² से आगे चलाएंगे मैं फिसलता हुआ पीछे जा सकता हूं, क्लियर है, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरी मैक्सिमम एक्सलेशन कितनी है 5। तो कई क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैक्सिमम एक्सलेशन, तो ये टर्म मैक्सिमम एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। असली कॉन्सेप्ट सुनो जो बताना चाह रहा हूं, फिर से एक बार ये गाड़ी है, ये कार है, और फिर से ये मैं, मेरा इस बार मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को ना बांध लिया एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ, ये पुली है और ये री स्ट्रिंग और ये रहा ब्लॉक,
तो मेरे जितना एक ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है, तो रस्सी टाइट है, रस्सी टाइट है तो इसमें क्या है टेंशन टी, और इसमें क्या है टेंशन टी, टेंशन टी एंड टेंशन टी, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है, फ्रिक्शन यहां भी प्रेजेंट है, इसको टच कर रहा है इसे, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है टेबल के साथ, दोनों जगह फ्रिक्शन है। तो अभी कार चल नहीं रही, कार चल नहीं रही, फ्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार इसका जो वेट है वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, आगे मैं नीचे गिर रहा हूँ। तो मैंने पेट से वो रस्सी बांधी, पुली लगाई, नीचे ब्लॉक लगाया, गाड़ी के ऊपर या ट्रक के ऊपर खड़ा हूँ मैं किसी फ्लैट सरफेस पे, और वो मास मुझे नीचे खींच रहा है। अब मुझे डर है कि अगर ऐसा हुआ, मेरी फ्रिक्शन कमज़ोर हुई, छत स्मूथ है थोड़ी, तो मुझे डर है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, है ना, ऐसा होगा ना, मैं स्लाइड करता हुआ नीचे गिर जाऊंगा, कोई डाउट इसमें? तो बोलो फिर फ्रिक्शन का एक्ट करेगी उस केस में, अगर ये नीचे जाता है सिस्टम तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, राइट, फ्रिक्शन का लेफ्ट, राइट, ठीक है, सही है। और अगर ये नीचे जाता है तो फ्रिक्शन, ये मास कहाँ जाएगा, नीचे, तो इस टेबल के ऊपर, फ्रिक्शन का ऊपर, कोई डाउट इसमें, राइट, कोई डाउट इसमें? अब ये ब्लॉक मुझे बोलता है, मान लो ब्लॉक बोलता है और मुझे बोलता है कि सर मेरे को प्लीज बचा लो। मैंने कहा या तो जूते ठीक कर ले अपने, है ना, थोड़ा रफ ले ले, या छत ठीक कर ले तो बच सकता है। वो कहता ना तो मैं जूते चेंज करूंगा, मतलब ना तो मैं अपना नीचे का सरफेस ठीक करूंगा, ना मैं छत ठीक करूंगा, फिर भी मेरे को बचा लो। मेरे को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर तू को ये नीचे ले गया तो तेरे को साथ जाना ही पड़ेगा। वो कहता ट्राई कर लो। तो मैंने कहा ठीक ट्राई करता हूँ। मैंने कैसे ट्राई किया, पूरे इस डिब्बे को एक्सलरेट करवाना शुरू कर दिया, अभी देख, पूरे सिस्टम को ए के साथ मूव करवाया। अब हुआ क्या, एक तरीका था मैं जाके पकड़ लूं, देखो तो जाके पकड़ लूं फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो इसने मूव करना ही नहीं सारी जिंदगी। वो कह रहा बिना टच किए बचाओ। तो मैंने सिस्टम को एक्सलरेट करवाया, जैसे सिस्टम को एक्सलरेट करवाया तो इसके ऊपर क्या लग गई, सूडो फोर्स एम ए, ये तो फ्री में मिल गई एक्सप्लेनेशन की वजह से, इसे पीछे की तरफ है, और इसको भी एग्जैक्टली क्या मिली, सेम सूडो फोर्स, ये इसको दबाना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि दोनों को कहां मिलेगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कोई डाउट इसमें? अब ये कह रहा है कि ठीक है यार मैं इधर जान, मैं तो डूब ही रहा था, मैं तो जा ही रहा था, पर आपने अगर एक्सलेशन लगाई तो एम ए की फोर्स आई। अब अगर तो टी बड़ा हो गया और फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए एम ए छोटा हो गया तो फिर से गिर जाएगा। मैं कहने का मतलब, अगर आपने एक्सलेशन ज्यादा ना रखी तो सूडो फोर्स कमजोर हो गई आपकी, और एक्सलेशन कम रखी सूडो फोर्स कमजोर हो गई तो नीचे गिर जाएगा। और अगर आपने एक्सलेशन ज्यादा रखी, सूडो फोर्स अच्छी लेवल की हो गई, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। मैं थोड़ा ज्यादा खुश हो गया, एक्साइट हो गया, मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सलेशन दे दी। अब क्या हुआ, सूडो फोर्स कुछ ज्यादा ही लग गई। अब इसने नीचे तो क्या गिरना था और रुकना तो क्या था, उल्टा इसने मेरी तरफ ही भागना शुरू कर दिया, और साथ में इसने ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सूडो फोर्स बहुत ज्यादा हो गई ना। तो अगर एम ए बहुत ज्यादा हो गया तो पूरा सिस्टम ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया, कोई डाउट इसमें? आ रहा हूं इस पॉइंट पे, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ऐसे ही होगा, ऑनलाइन समझ में आ रहा यस सर, है ना, कितनी अजीब सिचुएशन हो गई। अगर ए नहीं लगाया फिर तो गया, अगर ए लगाया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो ये तो गया आगे, तो यहां पर फिर फ्रिक्शन बोलो कार्य करेगी पीछे। दूसरा केस, मैंने ए लगाया और कुछ ज्यादा ही लगा दिया, बहुत ज्यादा लगा दिया, तो ये यहां स्लाइड होता हुआ आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहां, आगे, राइट। अब मैंने ए उतना लगाया, इसने कहा सर इतना तेज मत करो, ए लगाओ, आप मुझे लास्ट वैल्यू बताओ ए की क्या होगी ताकि मैं मूव ना करूं। तो मैंने कहा ठीक, लास्ट वैल्यू क्या है, ए मैक्स। तो अगर ये ए मैक्स है तो सूडो फोर्स भी एम इंटू ए मैक्स, कि अगर मैंने एक्सलेशन इस सिस्टम की ए मैक्स से ज्यादा क्रॉस करवा दी तो सूडो फोर्स इसकी ए मैक्स से ज्यादा हो जाएगी, सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। और अगर सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगी ए मैक्स से, मीन्स ए मैक्स बढ़ाने से,
तो ये बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव करे और मैं नहीं चाहता ये मूव करे, तो मेरी लास्ट वैल्यू गाड़ी की एक्सेलरेशन की क्या है, ए मैक्स। बस ए मैक्स पे जहां है वहां का वहीं रहेगा। कोई डाउट इसमें? रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ठीक है यहां तक। हाँ, अगर मैं ज्यादा एक्सेलरेशन दे दूंगा तो ये कहां जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। मेरा क्वेश्चन नंबर वन, मैंने ए मैक्स एक्सेलरेशन दी तो ये किस पे रहेगा, एट रेस्ट। बोलो फ्रिक्शन कहां कर रही है, रेस्ट पे फ्रिक्शन कहां कर रही है, लेफ्ट की राइट, या एक्टिव नहीं कर रही क्योंकि रेस्ट पे है। ऑनलाइन लेफ्ट हैंड साइड, आपको लगता है लेफ्ट हैंड साइड, कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट, कितने बोलते हैं राइट। ओके, मैं जा रहा हूं इसके ऊपर खड़ना है, इधर आ गया मैं, ये मैं हूं एम, मैं हूं मिस्टर एम, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्राइवर से मेरी बात हो रही है, ड्राइवर कह रहा है मैं बहुत तेज चल रहा हूँ भाई। मैंने कहा लग ही रहा है यार तू बहुत तेज एक्सलेट कर रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कर गया तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा। तो इसका मतलब मैं बस अब इधर गया, अब इधर गया, अब इधर गया, इसी सिचुएशन में हूँ ना, क्योंकि अगर एक्सलेशन ज़रा सी ज़्यादा कर दी तो मैं बस इधर चला गया। तो मेरी टेंडेंसी जाने की कहाँ है, इधर। भाई इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है कि मैं किधर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर। इतनी सी भी अगर एक्सेलरेशन ज्यादा कर दी ना ए मैक्स से, मैं पक्का इधर फिसल जाऊंगा। तो मेरी टेंडेंसी जाने की कहां है, इधर। तो इसका मतलब मेरे को लेफ्ट जाने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स राइट। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, सही है ना। अच्छा, ड्राइवर कहते हैं काम करते हैं, गाड़ी ना स्लो चलाते हैं, यहां तो केस क्लियर ठीक हो गया ना। ड्राइवर कहता है गाड़ी स्लो चलाते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेलेरेशन को कम करनी शुरू करता है। अब पहले मैं इस सिचुएशन में था कि बस बस ए थोड़ा सा ज्यादा हुआ नहीं, मैं इधर भाग जाऊंगा, गाड़ी थोड़ी स्लो ही, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ रेस्ट पे, गाड़ी थोड़ी ए कम हुआ, मैं अभी भी कंफर्टेबल रेस्ट। अब मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ए कुछ ज्यादा ही कम कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लॉक मुझे नीचे लेके मैं गिरी जाऊं। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मेरी टेंडेंसी कहां पर है, इधर गिरने की। अब उधर तो क्या जाना था, अब मैं कहीं डर है मुझे इधर ना, पहले मुझे डर था मैं इधर जा रहा हूं, अब मुझे डर है मैं कहीं इधर ना चला जाऊं। तो अगर गाड़ी अब उस एक्सेलरेशन पे चल रही है जिसकी वैल्यू को क्या बोला जाए, ए मिनिमम। अब ए मिनिमम क्या चीज है, ए मिनिमम वो एक्सेलरेशन है, ड्राइवर कह रहा है अगर मैंने ए मिनिमम से कम एक्सेलरेशन कर दी तो भैया सूडो फोर्स सफिशियंट नहीं है बचाने के लिए, फिर तुम्हें नीचे गिरना ही पड़ेगा। इसका मतलब अब अगर ए मिनिमम से थोड़ी सी भी कम वैल्यू हो गई तो समझो मैं कहां गया, इधर। तो मेरी टेंडेंसी अब कहां जाने की है, इधर मिनिमम पे। तो इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन कौन बचा रहा है मुझे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऐसे केस में कहां एक्ट करेगी, है कि नहीं कमाल। जब बोलता हूं ए मैक्सिमम, बहुत तेज स्पीड हो गई है तो फ्रिक्शन, मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर, जा मैं कहीं नहीं रहा, मजे की बात है, बैठा तो मैं रेस्ट पे ही हूं, बस कभी इधर गिरने की कोशिश कर रहा हूं और कभी इधर जाने की फिसलने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन ने भी डायरेक्शन कैसे चेंज कर दिया, ए मैक्स ए मिनिमम पे, क्लियर है। अब देखो, आपको इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो खैर बहुत लंबी सिचुएशन है ये, क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ डायग्राम समझा देता हूं। ये सिस्टम को रेस्ट पे रखना है और पहला केस है फाइंड ए मैक्स, ए मैक्स। जब उसने ए मैक्स बोला मतलब सूडो फोर्स बहुत हाई है इसके ऊपर, तो इसकी टेंडेंसी कहां जाने की है, लेफ्ट। तो फ्रिक्शन कहां करेगी, तो क्योंकि इसकी टेंडेंसी लेफ्ट जाने की है तो इसकी टेंडेंसी ऊपर उठने की है, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, डाउन। और क्योंकि ये सूडो फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू सूडो फोर्स, इसका होगा mg, इसका होगा ma। और दूसरे केस में जब वो मिनिमम का केस सॉल्व करवाना चाहता है, मिनिमम में स्लो चल रहे हैं तो इसकी इसका इधर गिरने का चांस ज्यादा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट, इसका नीचे गिरने का चांस ज्यादा, फ्रिक्शन ऊपर।
राइट, पर है तो ये रेस्ट पे ही ना। तो इस केस में क्योंकि ये रेस्ट पे है, ऐसा न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और कुछ नहीं है। इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन एम जी, और इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन एम ए। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो राइट की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट की फोर्सेज, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी प्लस एफ वन इक्वल टू एम ए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इक्वल टू एम जी प्लस एफ टू। उसी तरीके से ये भी सिस्टम रेस्ट पे है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी प्लस एफ टू इज इक्वल टू एम जी, और इसकी टी इज इक्वल टू एफ वन। बस आगे न्यूमेरिकल अपना हो जाए, न्यूमेरिकल तो करना ही नहीं है यार, न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बात यह है कि आपको ये समझ में आया कि फ्रिक्शन कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कैसे लग रही है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन करो, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, ठीक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ठीक है, आपको एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है और ये एक ब्लॉक है, ये आपका केस नंबर वन है, सेम डायग्राम है केस नंबर टू है। मैंने पहले केस में फोर्स ऊपर लगाई एफ वन, मैंने पहले केस में ऊपर फोर्स लगाई एफ वन, मैंने दूसरे केस में इसी ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लगाई एफ टू, पहले केस में एफ वन दूसरे केस में एफ टू। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू फ्रिक्शन प्रेजेंट है म्यू, राइट। मान लो ब्लॉक का जो मास है 10 kg है, 10 kg है, एंगल 30 degree है, 30 degree है। क्वेश्चन है कि पहले केस में जो मैंने फोर्स लगाई F1, मैं इस बॉडी को अपवर्ड लेके जा रहा हूं, अपवर्ड लेके जा रहा हूं, सच दैट द ब्लॉक इज जस्ट एबल टू मूव, जस्ट एबल टू मूव, बस अपनी जगह से, जस्ट एबल टू मूव का मतलब ऊपर जा रहा है पर एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो। जस्ट जहां वर्ड आता है वहां एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, जीरो। जस्ट का मतलब बस लिमिटिंग केस है, क्लियर है यहां तक। हम बोलते नहीं जस्ट पास ही हुआ है भाई, तू नंबर तेरे 33 ही है, मतलब तू एक्सेलरेट उस कुछ नहीं हो रहा, तूने ठीक काम नहीं किया, ना तू फेल ना तू पास, कॉन्स्टेंट है। तो जस्ट का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, राइट। तो ये मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ी एफ वन, दूसरे केस में एफ टू फोर्स लगाई इतनी लगाई ताकि बॉडी बस किस पे रहे, एट रेस्ट, बस रेस्ट पे, इतनी ही फोर्स लगानी है, बॉडी रेस्ट पे रहे बस, और ज्यादा नहीं लगानी। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पहले केस में फोर्स ज्यादा लगेगी दूसरे केस में, पहले में ज्यादा लगानी पड़ेगी कि दूसरे में, दूसरे इसमें फोर्स ज्यादा है, ठीक है। बक्सा लो एक बड़ा सा, स्लाइड पे रखो, बहुत भारी बक्सा है, पहला केस बस पकड़ के रखना भाई, दूसरा नहीं पकड़ के नहीं खींच के भी लेके जा, तो खींचने में फोर्स ज्यादा है, ऊपर लेके जाने में फोर्स ज्यादा है कि पकड़ने में फोर्स ज्यादा है, भाई खींचने में ज्यादा है भाई, तुम पकड़ने से ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ऊपर लेके जाओगे, ऑब्वियसली एफ वन फोर्स ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी आपको एफ टू से, एफ टू में मूव थोड़ा ना करवाना है, एफ टू में रेस्ट पे है, ये ब्लॉक किस पे है, एट, बस इतनी लगानी है कि चले ना, इसमें तो चलाना भी है। तो गिवन है एफ वन इज टू टाइम्स एफ टू, ये गिवन है, तो मान लो ये गिवन है, फाइंड म्यू, हाँ ग्रेविटी जी 10 ले ले,
ठीक है, चलो आंसर दो। ये बताओ, ये बताओ, इस ब्लॉक को कौन नीचे लेके आएगा? इसका वेट का कंपोनेंट बोलो कितना, 10g sin 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको कौन नीचे लेके आएगा? 10g sin 30। ये बताओ ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की नीचे? अप लिख देता हूं, मूव अप। अब ठीक है, कहां जा रही है? ऊपर। मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको ऊपर लेके जाना है, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? नीचे, राइट। तो फ्रिक्शन जो है वो कहां एक्ट करेगी? नीचे। ये रही आपकी फ्रिक्शन। एफ इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, में बना नहीं रहा, पर आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे केस में क्या होता है, एम जी। हाँ, यानी कि 10g cos 30। ये साइन होता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, cos 30। ऐसे होता है ना, एम जी कॉस 30। बना नहीं रहा डायग्राम पर, समझ है ना, एम जी, एम जी साइन, एम जी कॉस। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि ये बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, एक्सेलेरेशन के साथ कितनी, जीरो, जस्ट एबल टू मूव है। तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो इक्वेशन क्या बनेगी एफ वन की? एफ वन की वैल्यू आएगी 10g sin 30 प्लस म्यू टाइम्स 10g cos 30। कोई डाउट इसमें? एफ वन क्लियर है यहां तक? एफ वन क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है एफ वन? यस सर। अब ये बताओ इसके अंदर एफ टू क्या होगा, बोलो। फ्रिक्शन, ओके। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कहाँ करेगी, ऊपर की नीचे? इंक्लाइन प्लेन के नीचे के ऊपर? मैंने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ, नीचे। ऑनलाइन फ्रिक्शन कहाँ? नीचे फ्रिक्शन एक्टिव नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखो आप ये देखो, यही तो ट्रिक था, ही तो पकड़ना है। जब आप एक बक्से को बस मिनिमम फोर्स के पकड़ के बैठे हो, आपको क्या डर है, बक्सा अब नीचे गया, अब नीचे गया, अब वो कहाँ जा रहा है, नीचे। उसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है, नीचे, क्योंकि आपने कम से कम फोर्स लगा रही है। सिर्फ पकड़ के रखने का काम है आपका, ऊपर मूव करवाने का काम नहीं है। अगर ऊपर मूव करवाने का काम होता, एक्चुअल में बॉडी ऊपर मूव करती तो फ्रिक्शन नीचे। यहां पर पकड़ने का काम है, तो फोर्स ब्लॉक क्या चाह रहा है, मैं कहाँ खिसक जाऊं, नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रही है, ऊपर। तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर। म्यू टाइम्स एम जी 10g cos of 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फर्क है, यही तो असली कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में जब बॉडी चलती है ऊपर, फिर तो 100% फ्रिक्शन नीचे है, बात ही खत्म है। लेकिन अगर रुकी हुई है तो गड़बड़ है। रुकने में सबसे डेंजर काम है वहां, देखो। अगर तो चल रही है, फिर तो एक मिनट पता चलता है, अगर इधर चल रही है फ्रिक्शन, इधर इधर चल रही है फ्रिक्शन, इधर। जब रुकी हुई है ना, तो आप खुद फील करके देखो उसकी टेंडेंसी जाने की कहां है, उसकी टेंडेंसी कहां गिरने की है, नीचे, नीचे, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, वो नीचे भाग जाएगी। तो यानी कि फ्रिक्शन कहां पर है, ऊपर। तो ऐसे केस में ये तो सेम ही रहेगा, 10g sin 30। तो चल तो रही नहीं है, रेस्ट पे है, तो एफ टू प्लस म्यू टाइम्स 10g cos of 30 इज इक्वल टू 10g sin of 30। तो एफ टू की वैल्यू क्या जाएगी, 10g sin of 30 माइनस म्यू इंटू 10g cos of 30। ये एफ टू आ गया। बस कुछ नहीं करना आपने, एफ वन की जगह एफ वन, एफ टू की जगह एफ टू, पुट करो, सॉल्व करो और म्यू की वैल्यू निकाल लेना, क्या जाएगा आंसर। जो मर्जी गंदी आए तो मन से बना रखी है ये, पता नहीं जो भी आए, मतलब मन से वैल्यू दी है, कुछ भी आएगा छोड़। मेथड समझ में आया? मेथड समझ में आया?